नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव पांडे और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। आइए डालते हैं नजर झारखंड के गढ़वा जिले की ओर। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 में देश के वीर सैनिकों पर हुए हमले व उनकी कुर्बानी पर देश भर में शहीद दिवस के रूप में याद किया जा रहा है। उनकी शहादत से संभवतः सभी आहत हैं। इस शहादत दिवस पर कांडी में श्रद्धांजलि व कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। बता दें कि इस आयोजित श्रद्धांजलि मार्च का नेतृत्व तो जिला परिषद के प्रभावी प्रत्याशी दिनेश कुमार ने किया। इस दौरान कांडी मुखिया विनोद प्रसाद सहित श्रद्धांजलि मार्च में शामिल सभी लोगों के द्वारा वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, शहीद जवान अमर रहे सहित संबंधित कई नारे लगाए गए। नारों की गूंज से यहां का वातावरण गूंज उठा। बता दें कि श्रद्धांजलि मार्च कांडी बाजार स्थित करपुरी चौक से थाना चौक तक कैंडल मार्च के साथ निकाला गया। इसके बाद प्रखंड कार्यालय पर पहुंचकर एक मिनट का मौन भी धारण किया गया। वहीं भावी जिला परिषद युवा समाज सेवी दिनेश कुमार ने कहा कि आज के ही दिन हमारे देश के 40 वीर सपूतों ने इस मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान दिया है, जिसे कृतज्ञ राष्ट्र कभी नहीं भूल पाएगा। ये थी झारखंड गढ़वा से संवाददाता विवेक चौबे की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नया वीडियो आने वाला आपको जल्द से जल्द मिल जाए, और हमारे बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।